तो ये देख सकते हैं कोट्टा तालाब, कोट्टा तालाब नया स्टाइल का देखिए कितना मस्त ज़बरदस्त है। ये वेस्ट पानी आने के लिए, वो भी वेस्ट पानी आने के लिए, देखिए वेस्ट आने के लिए इसका पानी वेस्ट इस पाइप में निकलेगा और दूसरा पाइप वेस्ट वो इससे निकलेगा। ये कपड़ा साफ़ करने का जगह है, ये कपड़ा साफ़ कर दीजिए और साइड में भी जगह है, देखिए इस बिल्कुल नया स्टाइल का है कितना बहुत कुछ इसके अंदर। कपड़ा गीला करके डाल दीजिए भींगेगा और उसके बाद लेकर साफ कर सकते हैं, इधर से बहुत मस्त है, ऊपर पाइप आएगा ज़बरदस्त, देखिए बहुत ब्राइट स्टाइल का है। ये देखिए कमाल का, देखिए इसको ओपन कर दिया, ये क्या है समझ गया, ये इसका ऊपर गैस सिलेंडर रखेंगे, एक तरफ का ये हो गया और दूसरा भी निकाल के दिखाता हूँ, दूसरा भी ये हो गया, दो सिलेंडर इसके अंदर रख सकते हैं, वाह क्या बात है। उसके बाद लॉक कर दीजिए, हो गया देख सकते हैं, एक इधर एक इधर, ये देखिए वाश बेसन यहाँ बनाया है, एंड काम कर करके डो डाल दिया, ऊपर देखिए ग्रेनाइट डबल करके इसको मॉली कर दिया, उसके बाद जो है वाश बेसन ये डाल दिया, इसका नीचे से हाइट 65 और प्लस ये 20, टोटल 85 में इधर फिनिश आ गया। और इसके बाद पाइप वगैरह देख सकते हैं इस तरह से डाला हुआ है, और मिरर देखिए वाश बेसन का सामने राउंड वाला, और ये जो लकड़ी का पूरा डाल दिया हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है। साइड में स्क्रेटिंग टाइल्स का डाला हुआ है, लाइट देख सकते हैं ऊपर में इंटीरियर की, कितना अच्छा लाइट काम किया हुआ है इसमें, देख कितना अच्छा व्यू बन रहा है। स्पेशल चिमनी कोट पर देख सकते हैं, चिमनी के ऊपर जो है ये लगाया हुआ, और ये टाइल है, टाइल ज़्यादा लाइफ है, ग्रेनाइट का लाइफ कम है, मैंने देखा बहुत जल्दी लाइफ टूट जाता है, तो आप लोग टाइल्स ही डालिए, टाइल्स बेटर रहेगा मैं समझता हूँ, ठीक है टाइल बहुत दिन रुकेगा क्योंकि मट्टी टाइल होता है ये। उसके बाद आप देख सकते हैं यह एक बॉक्स आया हुआ है, बॉक्स के अंदर देख सकते हैं बाहर धुआं जाने का चीज़ है, चला जाएगा आराम से, ये ज़रूर डालिए सब, शायद पहले जो डालता था। साइड में किचन स्लैब जो कि गैस स्टोव भी यूज़ कर सकते हैं, और फ्लोर में वुड टाइल है, वॉल में पूरा वाइट टाइल्स, किचन और वर्क के लिए हर जगह ये डालता हुआ है देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं कोट्टा तालाब सिंक, सिंक साइड में तो वाइट टाइल्स कोई भी टाइल्स आप डाल सकते हैं, वेस्ट वाले कुछ भी आएगा, लेकिन नीचे जो है जरूर ग्रेनाइट डालिए, देखिए पूरा नीचे में ग्रेनाइट टाइल डाला हुआ है, और यहाँ पर जो ये कटिंग करके जरूर डालना है, पानी बिल्कुल इसके अंदर जाकर निकल जाएगा, कचरा नहीं रुकेगा, और ये देखिए सब इस तरह से डालिए, और ग्रिल में देख सकते हैं इस तरह के किया हुआ है, और बर्तन लकड़ी के ऊपर से स्टैंड बना हुआ है देख सकते हैं। अब बाथरूम डिजाइन देख सकते हैं, डोर का ये कलर लॉक ये वाला है, ये ओपन कर दिया हूँ, और देख सकते हैं बाथरूम का फ्लोर, बाथरूम का फ्लोर टाइल देख सकते हैं ये वाला कलर, और देख सकते हैं वहाँ जाने के कटिंग करके रखा हुआ है, और ये देखिए सादा क्लोसेट, और इसमें पूरा प्लेन टाइल्स डालो, प्लेन टाइल्स देखिए कितना अच्छा लगता है, सब टाइल्स सामान यहाँ सब रखा है देख सकते हैं, और देख सकते हैं खिड़की में जो ग्रिल में ये खिड़की में जो है साइड में बिल डाला हुआ है वाइट वाला, वाइट में ब्लैक, और यहाँ देखिए इसमें वाइट बिल्डिंग। किचन देख सकते हैं, किचन वर्क सब फ्लोर एक ही टाइल कलर का है, और ये देख सकते हैं सिंक, सिंक में जो पाइप है वो सब देख सकते हैं इस तरह राउंड वाला है देख सकते हैं, और ये दीवार में एक दो फीट का टाइल्स डाल करके उसका ऊपर एक ओपन बॉक्स बनाया जो कि सामान मसाला भी निकाल सकते हैं बार बार, उसके बाद ये बॉक्स आ गया, ऐसा डालना है, कोई कोई आदमी लोग बोलते हैं पूरा डालें, पूरा नहीं डालना, नीचे एक ओपन जरूर चाहिए रखने के लिए, तो देख सकते हैं देखिए डोर पूरा ये महुआ ये क्या बोलते हैं कटहल का, और ये दीवार में देख सकते हैं वॉल टाइल पूरा वाइट वाइट में एक लाइन देख सकते हैं ये वाला,
स्लैब के नीचे देख सकते हैं इस तरह का बॉक्स कलर करके डाला हुआ है मैच करके, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखिए जो बॉक्स डालने के बाद यहाँ जो एयर जाए 3 इंच बाहर आता है, 3 इंच बाहर आने के बाद इसमें 1 इंच आ गया, फिर 1 इंच दोनों मिला के 2 इंच आता, तो ये इस तरह हो गया, एडजस्ट हो गया। ओके, और हॉल में देख सकते हैं ये टाइल्स पूरा ग्लास ऑफ बॉक्स आएगा, अभी डाला नहीं, ग्लास ऑफ बॉक्स ही डालने का है। आई हुआ फिर ब्लैक ग्रेनाइट देख सकते हैं स्टेप में पूरा डाला हुआ है, तो ये नमस्कार देख सकते हैं बाउंड्री में कुछ इस तरह ग्रिल का काम कर करके ये पेंट भाई साहब भी कर रहे हैं, वाइट प्रेमर पेंटा देख सकते हैं बाउंड्री इस तरह से डिजाइन करके। हेलो जी, आपका बाउंड्री का काम देख सकते हैं इस तरह से व्हाइट सीमेंट कर करके व्हाइट पेंट मार दिए हैं, ये पेंट है। और ये घर का सामने से राइट साइड का सीन प्राइमरा व्हाइट है। फिर राउंड डिजाइन करके रखा है, बड़ी मस्त से बनाया हुआ है भवन का सही से। और ये गेट का डिजाइन देखिए, ए सी टॉट में सामने देख सकते हैं सामने का काम, यहाँ पिलर सब लगा हुआ है स्टोन और ग्राइंड, और देख सकते हैं नीचे तारा का पेंट में बाकी है वॉल में हो गया। और सामने के बाद देख सकते हैं शो वॉल नज़र आ रहा होगा वो है, इसके बाद एक कनर का काम ये सब हो गया इतना देख सकते हैं। और यहाँ ये बाउंड्री करके इस तरह से अंदर का इसमें ये देखिए बाउंड्री का तरह से अंदर से इस तरह डिजाइन किया हुआ है, और इसका अंदर जो भी है ग्रास आएगा। और ये थोड़ा सा तीन आ गया बैठने के लिए, ये तो ग्रीन गेट स्लाइडिंग डोर देख सकते हैं। ये शो वॉल देख सकते हैं टाइल्स का डाला हुआ है। और ये घर का साइड का सीन देखिए इस तरह से फिल्टर का पाइप भी आया हुआ है पानी का, बारिश का रेन बार्स का। ये होने के बाद जो है इसके अंदर से जो है ये बाउंड्री का काम हो गया है देख सकते हैं। दरवाजा देख सकते हैं पूरा कटहल का बना हुआ, बहुत अच्छा डोर है, बहुत अच्छा फिनिशिंग काम किया हुआ है फ्लोर में, पूरा टाइल देख सकते हैं यही टाइल डाला हुआ है। देखिए रूम के अंदर जो कबोर्ड इस तरह से कबोर्ड बना हुआ है, और साथ में बाथरूम का दीवार बाथरूम का वॉल ये भी है, ये वॉल देखिए दीवार से थोड़ा अंदर डाला हुआ है। आइए बाथरूम के अंदर दिखाता हूँ, तो देखिए बाथरूम का फ्लोर टाइल क्रीम कलर, और इसका वॉश बेसन से नीचे से ऊपर तक, और ये जैसे पाइप वगैरह सब देख सकते इस तरह से किया हुआ है वॉश बेसन, और ये सामान ग्लास ये ब्रश रखने के लिए। और ये देख सकते हैं इसका साम नीचे से दो, और इसे जाकर के ऊपर शावर का आ गया पूरा इसी तरह। और वॉल में देख सकते हैं पूरा एक ही कलर का टाइल डाला हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है पूरा एक ही कलर शर्ट में, और कॉर्नर में ब्लैक बिल्डिंग डाला हुआ है अच्छा लग रहा है। फिर वॉश बेसन का एरिया भी देख सकते हैं इस तरह से ठीक ठाक किया हुआ है काम, देखिए प्लेन दूसरा कोई कलर नहीं, कितना अच्छा प्लेन कलर है, बहुत मस्त लग रहा है।
और ये बाथरूम डाउन है, देखिए बाथरूम डाउन। अब आइए रूम के अंदर चलते हैं, देख सकते हैं ये डोर बिल्कुल अपने परमिशन से बना हुआ है। और ये देखिए इसका लॉक बहुत स्पेशल लगता है, ये लॉक है देखिए लॉक, ये लॉक ओपन करके आप देख सकते हैं ये हो गया, और ये भी बड़ा लॉक है देख सकते हैं आ गया, अरे वाह ये लॉक देख सकते हैं इस तरह से तीन वाला हो गया पूरा रूम हो गया है। और ये जो है पूरा सीमेंट का है, पोरो सीमेंट अंदर जो एक इस तरह का लॉक लगा हुआ है देख सकते हैं चुम्बक वाला, और ये सीधा बॉक्स मिरर, और ये बाथरूम का देखिए देखिए बाथरूम का देखिए। आइए दूसरा एक रूम, दूसरा रूम में घुसता हूँ, दूसरा रूम में देख सकते हैं अलमारा लगा हुआ है सिर्फ बिल्कुल कुछ कलर लगे, कलर आने के बाद देख सकते हैं स्पेशल चल रहा है। और एक बाथरूम है, बाथरूम का फ्लोर देखिए पूरा एक ही कलर का है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, देखिए बाथरूम का फ्लोर देख सकते हैं पूरा इस तरह से डाला हुआ है, और वॉल वगैरह सब एक ही कलर प्लेन बिल्कुल प्लेन बस प्लेन ही बस अच्छा लगता है और कुछ नहीं। देखिए देख सकते हैं बाथरूम का दरवाजा नीचे टॉप, ये ब्लैक बिल्डिंग डाला हुआ है देखिए फ्रंट मेन डोर, मेन डोर देखिए जबरदस्त कितना अच्छा है देखिए आप लोग, ये पूरा फुल लकड़ी है कुछ इसमें नहीं है, सब लकड़ी का पूरा है। और लॉक देख सकते हैं बहुत स्मूथ है। और अब अंदर चलते हैं, अंदर आने के बाद देख सकते हैं सामने जो है टीवी का फ्रेम बना हुआ है, टीवी रखने के लिए स्टैंड, और उसमें ऊपर सब लाइट डाला हुआ है, लाइट भी फिर टीवी रहेगा, स्टैंड बना हुआ है। और ये हॉल में पूरा ये सिटिंग हॉल हो गया देख सकते हैं सिटिंग हॉल, और सिटिंग हॉल के में से बाहर का नज़ारा इस तरह से। और आइए डाइनिंग हॉल, डाइनिंग हॉल में देख सकते हैं उधर स्टेप सामने हॉल, और ये देखिए सामने किचन पड़ा हुआ है, किचन ओपन किचन है, ओपन किचन में एक देख सकते हैं इधर इंटीरियर कुछ काम किया हुआ है। और ये तो हो गया, और देखिए सामने स्टेप, स्टेप में ग्रेनाइट और टाइल दोनों डाला हुआ है, स्टेप में ऊपर ग्रेनाइट बाकी साइड में पूरा टाइल डाला हुआ है। सामने देख लीजिए अलमारा, ये जो नीला कलर का फ्रेम हो गया उसके बीच में तीन डोर हो गया देख सकते हैं, ये भी इधर सामान रखने के लिए, ये लॉक देखिए इसके अंदर एक सामान, और ये ग्लास हो गया सामने, और ये हो गया। आइए बाथरूम ले जाते हैं, बाथरूम का फ्लोर देखिए ग्रेन सॉरी ग्रीन कलर का, और बाथरूम का वॉल पूरा देखिए प्लेन कलर बहुत अच्छा है, जबकि प्लेन इससे अच्छा कोई डिजाइन जो बहुत कटिंग बहुत डिजाइन डालते हैं उससे अच्छा ये है। देखिए वॉश बेसन का एग्जाम पूरा जगह देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त है देख सकते कितना अच्छा लग रहा है, सब मस्त है। क्लोजिंग भी देखना तो देखते हैं कंपनी कौन सा कंपनी का है, आप इसमें देखते हो कटिंग इसलिए जल्दी पानी इसके अंदर बराबर जाते हैं हमेशा। ये हॉल में एक स्टडिंग स्लैब वगैरह किताब पढ़ने के लिए लिखने के लिए सब है, और इसके अंदर सामान भी रख सकते हैं देख सकते हैं ऐसा बहुत बड़ा है। यहाँ पर देखिए आसपास का लोकेशन ये है, गार्डन गार्डन जी गार्डन गार्डन हो जाएगा देखिए पूरा मस्त है। और ये लास्ट फ्लोर जाने के लिए लोहा का स्टील का स्टेप पर बना रखे दिया था, और ये देख सकते साइड में बाउंड्री जैसे किए हुए हैं इसका। आइए आपको स्टेप के ऊपर भी ले जाता हूँ, स्टेप बहुत गर्म है, अरे बाप रे वाह वाह क्या गर्म है वाह वाह। और ऊपर भी देखिए आ हा ये टैंक
देखिए ये टैंक है, सफाई के लिए टैंक का साफ, देखिए इसको साफ करने, पूरा साफ हो जाएगा। नीचे खाली ओपन करेगा, पूरा गंदा निकल के चला जाएगा इसके अंदर से। ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पाइप वगैरह सब देख सकते हैं इस तरह से डाला हुआ है। और ये बस अंदर से थोड़ा बैठने में बारिश होगा तो कुछ इधर बैठने में आराम है, बहुत बढ़िया मज़ा ले सकते हैं। और ये पूरा क्रॉस में वाटर प्रूफ कर दिए हैं, देख सकते हैं ऊपर से सीन पूरा इस तरह का है। क्लाउड बहुत नाइस व्यू है, आज तो मौसम साफ है, बारिश भी नहीं हो रहा है, बहुत खूब है। देखिए सफ़ेद नीला सब तरह का आकाश है। और तो हमारा वीडियो का आप देखिए, वीडियो में कुछ नहीं है, बस घर में जो भी टाइल्स कौन सा कलर डालना है, कौन सा बाथरूम है, बाथरूम में चॉइस करना है, कोई वीडियो देख रहे तो उसको देख के चॉइस कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं। तो और बाथरूम का जो कुछ कबोर्ड का काम है वो देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं, और किचन का, रूम का, बॉक्स का बोर्ड, टाइल्स, पेंट, अब ये सब देख करके पसंद कर सकते हैं मेरे वीडियो के साथ थ्रू। तो ओके, मैं वीडियो यहाँ से एंड करता हूँ। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।